हेलो गाइस, और आज का तो समय यार मतलब बहुत बहुत आसान है। इतना आसान कि मेरे को इसके लिए पूरा पेज की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब ये मुश्किल से 3 या 4 लाइनों का समय, और तुम यकीन नहीं मानोगे मैंने अपनी बुक में इस पे इम्पॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। मतलब देखो, इम्पॉर्टेंट और आसान, इससे अच्छी बात तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले इसकी फिगर पर ध्यान दे देते हैं, या ऐसा करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद इसकी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पढ़ने से जितना तुम्हें समझ आना चाहिए वो ये है कि जो एंगल, जो टू टेंजेंट्स, एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल, और जो एंगल जो उसके टेंजेंट्स जो रेडियस पे पड़ते हैं, तो वो दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री में यानी सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारा डायग्राम, जिसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट है और जिससे दो टेंजेंट एक ही सर्कल पे गिरती है। तो हमें प्रूव करना था कि ये जो एंगल है ए सी बी एंगल और प्लस ए ओ बी एंगल मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यही क्वेश्चन में लिखा हुआ था और यही हमने प्रूव करना है। और उसके लिए सबसे पहले तुम लोग ये ध्यान में रखो कि एक रेडियस टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करते हुए इस सम को सॉल्व करेंगे। और क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो बेसिकली ये भी एक क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमारे पास दो एंगल्स की वैल्यू गिवन है। एंगल ए हमारे पास 90 डिग्री प्लस एंगल बी भी हमारे पास है 90 डिग्री प्लस एंगल सी और प्लस एंगल ओ 360। और मैं ऊपर लिखना भूल गया हूँ, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री टेंजेंट्स। एक्चुअली टेंजेंट्स ऑन रेडियस, तो ये इसका प्रॉपर वो आएगा। तो अब हमारे पास 90 प्लस 90 180 का सम हो गया। 180 का सम प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। और 180 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे जाके 180 माइनस का हो जाएगा। तो एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा सा समझाने के लिए लंबा करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो आपको इतनी कैलकुलेशन लंबी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे पास वही आ गया जो हमें चाहिए था, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने डायग्राम बनाया। और मेरे ख्याल 4 मिनट भी नहीं हुए हैं और 4 मिनट से पहले भी ये ख़त्म हो गया। तो सही है, बस तुम लोग इसको ध्यान में रखो, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, नन्हा मुन्ना सा है। और बस फिर आगे का बाद में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।